Hey guys, welcome back to my channel. मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार और अमेजिंग वीडियो लेके। गाइस, तुम लोगों को मैंने कल ही के दिन बताया था कि प्रीमियम क्रेट में तुमको कौन से रिवर्ड देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड फाइनली आज BGMI में आ चुका है प्रीमियम क्रेट एंड तुम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे जो रिवर्ड्स मैंने तुम लोगों को बताए थे वही सेम रिवर्ड हमको देखने के लिए मिले। तो गाइज, अगर अब तुम लोग चाहते हो तो जो प्रीमियम क्रेट में मिथिक सेट आया है वो तुम लोग निकाल सकते हो। सिर्फ एक मिथिक सेट है, मिथिक सेट के अलावा सभी बहुत ज्यादा बकवास है। बकवास क्यों है और ये क्रेट इतना ज्यादा खराब क्यों है मैं तुम लोगों को ये आगे वीडियो में जरूर बता दूंगा। लेकिन इसी के साथ में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे को देखने के लिए मिले थे कि हम लोगों ने PUBG वगैरह ओपन किया था एंड जब PUBG को ओपन करके चेक किया तो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट है जो हमको अभी तक BGMI में नहीं देखने के लिए मिले। तो हमको ये इवेंट BGMI में कब देखने के लिए मिलेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा कि जो इवेंट्स है वो कब BGMI में आने वाले हैं। तो यही सारे टॉपिक है जो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं। तो हमारे मेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो तुमने ये चीज जरूर मेक श्योर कर लेना कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया हो। तो गाइज, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ प्रीमियम क्रेट का कितना गंदे वाला सीन हमारे साथ हुआ है। लाइक मैंने तुम लोगों को कल ही के दिन बताया था पबजी मोबाइल में जो प्रीमियम क्रेट आया था वो, उस प्रीमियम क्रेट में सबसे पहले तो तुम लोगों को एक AWM का अपग्रेडेबल गन स्किन देखने के लिए मिला था। लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी हम ओपन कर लेते हैं हमारा जो BGMI का प्रीमियम क्रेट आया है उसको। पहले तो यहाँ पे कोई भी अपग्रेडेबल गन स्किन नहीं है। उसके बाद में जो पबजी मोबाइल का कंसेप्ट है अभी तुम लोग वो देख लो। इस कंसेप्ट में यहाँ पे तुमको एक मिथिक एम्बलम का फ्रेगमेंट मिलेगा, देन जो AWM आया है उसके अटैचमेंट मिल जाएंगे, इसके बाद में तुम्हारा मिनी मटेरियल है एंड देन परमानेंट रिवर्ड में तुम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे AWM का गन्स के। तो हो सकता था BGMI ये सेम ही कंसेप्ट यूज कर लेता, लाइक जो मिथिक सेट आया है मिथिक सेट यहाँ पे डाल देता, जो अटैचमेंट है मिनी मटेरियल है और दूसरी चीजें हैं वो निकाल देते। पबजी मोबाइल वालों ने 120 क्रेट ओपन करने पे सारी चीजें दे दी है, BGMI वाले चाहते तो इसमें क्रेट इंक्रीज कर देते और जो परमानेंट रिवॉर्ड है वो हमको दे देते। लेकिन BGMI में हमको कौन सा कंसेप्ट देखने के लिए मिला है अभी तुम लोग उसे भी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर तुम लोग 50 क्रेट ओपन करोगे तो तुम लोगों को एक क्रेट देखने के लिए मिलेगा। जब तुम लोग इस क्रेट को ओपन करोगे उसमें से सारे के सारे लेजेंडरी रिवॉर्ड जो है उसको यहाँ पे डाला है। और पबजी मोबाइल में भी तुम लोग इधर खुद देख सकते हो एक भी चीज यहाँ पे टाइम लिमिटेड नहीं है, सब कुछ परमानेंट है। अब इसकी कंपैरिजन में तुम लोग रख लो BGMI के क्रेट को, जो BGMI में प्रीमियम क्रेट आया है अभी तुम लोग उसे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे देख लो कितने ज्यादा टाइम लिमिटेड आइटम्स है। अगर तुम लोग क्रेट भी खोलते हो तो तुमको टाइम लिमिटेड आइटम निकलेंगे। एक मेरा बंदा ऐसा है जिसने मेरे को मैसेज करके ये चीज बताई कि उसने सप्लाई क्रेट खोले, उसने लगभग 1000 सप्लाई क्रेट खोले और सप्लाई क्रेट में जो मिथिक सेट आया है वो उसको मिला लेकिन टाइम लिमिटेड, जितने भी बार मिला है सिर्फ टाइम लिमिटेड मिला है, परमानेंट उसको 1000 क्रेट में भी नहीं मिला। गाइस, 1000 क्रेट किसको बोलते हैं, उसको 1000 में भी नहीं मिला। लेकिन उसी की जगह पे दूसरे कुछ किस्मत वाले ऐसे लोग थे जिनको 10 क्रेट ओपन करने पे, 5 क्रेट ओपन करने पे, 3 क्रेट ओपन करने पे ही जो मिथिक सेट आया है सप्लाई क्रेट में वो मिल गया। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज मॉर्निंग में ही प्रीमियम क्रेट ओपन करा एंड उनको मिथिक सेट भी मिल गया। तो BGMI का ये कंसेप्ट गाइस बहुत ही ज्यादा थकित है। इससे अच्छा तो तुम प्रीमियम क्रेट डालो मत, पूरे अपडेट में एक ही डालो जैसे पबजी मोबाइल डाल रहे हैं एंड कोई तो भी अच्छी चीज दे दो। ऐसे तुम बकवास चीजें दोगे उस पर भी इतने ज्यादा टाइम लिमिटेड, यार ये कितने टाइम लिमिटेड है अभी तुम ही देख लो। गाइस, तुम लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लेना, ये लगभग 20 से 22 के करीब में ऐसे आइटम है जो टाइम लिमिटेड है। एंड तुम लोग इधर क्वेश्चन मार्क पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे तुमको मिथिक निकलने के चांसेस कितने हैं। 4.4 के करीब में तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन उसमें भी तुम लोगों को बहुत ही कम चांसेस है कि कोई मिथिक चीज देखने के लिए मिलेंगे। तो अब यही है हमारी किस्मत एंड यही है हमारे लिए प्रीमियम क्रेट। तो अब BGMI वालों को तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बाकी जो है हमारी किस्मत यही है गाइस। अब इससे हटके अगर हम लोग बात कर ले जो इवेंट्स वगैरह आने वाले हैं जो ऑलरेडी पबजी मोबाइल में आ चुके हैं वो हमको BGMI में देखने के लिए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, या अगर देखने के लिए मिलेंगे तो कब देखने के लिए मिलेंगे, ये चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि ये एक इवेंट है जो पबजी मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका है, हमने खुद जाके चेक किया है। तो हाँ गाइज, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि तुमने नहीं चेक किया होगा और नहीं आया होगा, बिल्कुल ये पबजी मोबाइल में आ चुका है एंड पबजी मोबाइल में ये वाला जो इवेंट आया है ये आया है 1 जून को। तो अब तुम में से बहुत सारे लोग ये चीज़ मेरे से पूछ रहे थे कि ये BGMI में हमको अभी तक क्यों नहीं देखने के लिए मिला। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था एंड वीडियो बना के ये चीज़ तुम लोगों को बताई थी कि ये तुम लोगों को BGMI में देखने के लिए मिलेगा लेकिन इसका रिलीज डेट BGMI के लिए होगा 16 जून। फिर इसके बाद में कुछ लोगों ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था एंड स्क्रीनशॉट शेयर करके बोला था कि ये वाला जो एस्ट्रल गे का अपग्रेडेबल गन स्किन है ये हमको अभी तक BGMI में क्यों नहीं देखने के लिए मिला क्योंकि ये तो पबजी मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका है। तो गाइज, मैंने इसके लिए भी तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि ये वाला जो एस्ट्रल गेज का लक्की स्पिन पबजी मोबाइल में आया है ये तुम लोगों को बहुत ही जल्दी BGMI में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका रिलीज डेट भी होने वाला है 12 जून 2024, लेकिन पबजी मोबाइल में ये आया है एज ए एक लक्की स्पिन। लेकिन गाइज, BGMI में हो सकता है ये तुम लोगों को क्रेट के फॉर्म में देखने के लिए मिले। तो अब देखो क्या होता है, जो भी होने वाला है मैं तुम लोगों को जरूर बता दूंगा। बाकी 12 तारीख को ये S12 गेज का क्रेट आने वाला है BGMI में एंड जो तुम्हारा ऑनर का अल्टीमेट आने वाला है वो उसका रिलीज डेट होने वाला है 16 जून।
अब अगर इससे हटके हम बात कर ले तो पबजी मोबाइल में अभी एक प्राइस पास चल रहा है। प्राइस पास है क्या है एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, लेकिन उसका नाम है PMSL पास, जिसे अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे रिवर्ड डाइज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, मतलब जो मिथिक सेट यहाँ पे हमको मिलने वाला है एक सूट है और बहुत ज्यादा लाजवाब, जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा कम है। दूसरे रिवर्ड भी जो मिलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा शानदार है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी मेरे को देखने के लिए मिला था कि ये हमको BGMI में कब देखने के लिए मिले, क्योंकि ये जो प्राइस पास आया है ये हमको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है एंड हम लोग इसे परचेज करना चाहते हैं। तो गाइज मेरे को नहीं पता अभी कब BGMI में आएगा, क्योंकि 7 तारीख को तो हमारा ड्रैगन बॉल जी आने वाला है। अब अगर 7 को ड्रैगन बॉल जी आता है तो फिर ये कब आएगा इसकी कोई भी कंफर्म लीक्स मेरे पास तो नहीं है। एंड जितनी लीक्स मैंने देखी है एंड जो रिलीज डेट वाला चार्ट है वो जब मैंने देखा है तो मेरे को वहां पे कहीं भी दूर दूर तक इसका कोई जिक्र नहीं नजर आया। तो अब ये BGMI में आएगा भी या नहीं इसकी कोई कंफर्म लीक्स नहीं है। बाकी इससे हटके अगर हम लोग बात कर ले तो 7 जून को आने वाला है BGMI में ड्रैगन बॉल जी वाला प्राइस पास, जो एकदम कंफर्म है 7 तारीख को ही तुमको BGMI में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन मेरे को देखने के लिए मिले थे कि UC UP का इवेंट कब आने वाला है। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के ये चीज तुम लोगों को बता चुका हूँ कि UC UP का इवेंट हम लोगों को जून के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे या फिर बहुत सारे कमेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिले हैं UC UP के इवेंट से रिलेटेड। तो गाइज जो UC UP का इवेंट आने वाला है BGMI में, उसकी कोई कंफर्म रिलीज डेट तो नहीं निकल के आई है, लेकिन जब BGMI के ऑफिशियल से इसके बारे में पूछा गया तो उनका ये बोलना आ रहा था कि रॉयल पास के करीब करीब हमको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब BGMI में जो A7 रॉयल पास आने वाला है उसका रिलीज डेट है 10 जून, मतलब आज से 7 दिन के बाद में। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि तुमको यही 7 दिन के अंदर जो तुम्हारा UC UP का इवेंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर मैंने उन लोगों से एक चीज यहाँ पे ये भी कंफर्म कर ली कि इससे पहले जो UC UP का इवेंट आया था जिसमें हम लोगों को 60 UC परचेस करने पे 30 UC मिल रहा था, वैसा ही इवेंट आने वाला है या फिर चेंज होगा। तो उन लोगों ने यहाँ पे एकदम क्लियरली एंड साफ साफ ये चीज बोल दी कि इस बार जो UC UP का इवेंट आने वाला है वो एकदम बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं एंड उसके लिए बंदे बहुत सारे UC परचेस करेंगे, तो इस बार अच्छा इवेंट आने के चांसेस है। उन लोगों ने अभी भी कंफर्म नहीं बोला, उन्होंने यहाँ पे चांसेस वर्ड का यूज किया था। तो बाकी देख लेते हैं हमको इसी वीक में UC UP का इवेंट देखने के लिए मिल सकता है। बाकी इससे हटके अगर हम लोग बात करें तो 3.3 के अपडेट से रिलेटेड कुछ लीक्स निकल के आई है। बेसिकली लीक्स तो नहीं है, कुछ र्यूमर्स है, वो र्यूमर्स वगैरह भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एक छोटा सा टीज बहुत सारे लोग बार बार कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी है एंड दूसरे भी लोग ये चीज बोल रहे हैं कि हमको 3.3 के अपडेट में व्हेल मछली देखने के लिए मिलेंगी। तो एक छोटी सी क्लिप है जो गेम फॉर पीस से आई है निकल के, बेसिकली जहाँ से मेरे को ये मिला है तो उस बंदे से जब मैंने इसका क्रेडिट मांगा तो उसने मुझे यही बोला कि ये गेम फॉर पीस की क्लिप है एंड उसने ये भी बोला था कि ये 3.3 के अपडेट में BGMI एंड पबजी मोबाइल में आने वाली है। तो लेट्स सी, ये कुछ बातें ऐसी तो निकल के आ रही है, लेकिन जब भी बीटा वर्जन आएगा एंड जो भी लीक्स पता चलेंगी तो मैं तुम लोगों को जरूर बता दूंगा। एंड इसी के साथ में अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो की सबसे आखिरी चीज। गाइस BGMI के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे हम लोगों को एक क्लिप देखने के लिए मिली जिसके अंदर रणवीर सिंह नजर आ रहा है। ये क्लिप से बेसिकली जो BGMI के अंदर हमारा कल के दिन आने वाला है RS क्रेट उसको टीज किया जा रहा है। तो गाइज बी रेडी फॉर RS क्रेट, बट RS क्रेट का वही कंसेप्ट जो इससे पहले आया था अगर उसी तरीके से आता है तो मजे की बात है। अगर वो लोग एल्गोरिथम चेंज कर लेते हैं तो ना ही कोई बंदा उस क्रेट को ओपन करेगा एंड ना ही कोई बंदा उस क्रेट को देखेगा भी। गाइज मेरे को मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी जो RS क्रेट आने वाला है वो पिछली बार की तरह ही है या फिर चेंज हुआ है ये मैं तुम लोगों को कल एक वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो तुमने मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि अब यही था जो तुम लोगों को आज की इस वीडियो में बताना था। अगर तुम लोगों को मेरा काम काम का लगा हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो तुमने इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।